खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। लोकसभा चुनाव में 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 4th चरण का चुनाव कल होने वाला है। तकरीबन सभी पार्टियों का घोषणा पत्र आ गया है, लेकिन बिहार में नीतीश की पार्टी का घोषणा पत्र अभी तक नहीं आया है। और बड़ी खबर यह है कि शायद इस चुनाव में नीतीश की पार्टी घोषणा पत्र जारी ही ना करे। एबीपी न्यूज आपको यह बताने जा रहा है कि नीतीश आखिर घोषणा पत्र क्यों जारी नहीं कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के मुद्दे पर नीतीश की पार्टी और बीजेपी में मतभेद है। अगर घोषणा पत्र जारी हुआ तो ये मतभेद एक बार फिर सामने आ जाएंगे। ऐसे में बीजेपी का वोट जो जेडीयू को मिलने वाला है उसका नुकसान जेडीयू को उठाना पड़ सकता है, और यही वजह है कि जेडीयू घोषणा पत्र जारी नहीं कर रही है। तो लोकसभा चुनाव के लिए अब तक नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। 3 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, कल 4th चरण की वोटिंग है और उसके बाद भी नीतीश के घोषणा पत्र का इंतजार है। और एबीपी न्यूज के पास घोषणा पत्र जारी ना होने की अंदर की खबर है। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा है कि अब तक घोषणा पत्र नहीं आया है। दरअसल राम मंदिर धारा 370 पर बीजेपी से मतभेद हैं, जेडीयू के एक राय नहीं है दोनों दलों की इन अहम मुद्दों पर, और यही वजह है कि नीतीश की पार्टी जेडीयू ने अब तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। तो बीजेपी से मतभेद है और यही वजह है कि अब तक घोषणा पत्र नहीं आया है। साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं ये दोनों दल एलजेपी के साथ मिलकर बिहार में। आरजेडी का कहना है कि जेडीयू चुनाव में इसलिए घोषणा पत्र जारी नहीं कर रही है क्योंकि ये चुनाव के बाद कहीं पलटी मार सकते हैं, इसलिए बीजेपी को जेडीयू से स्टैंप पेपर पर लिखवा लेना चाहिए। तो ये तो मुकाबला बिल्कुल साफ है, जनता बिहार की महागठबंधन के साथ है, अब कहीं कोई इफ बट नहीं है। लेकिन ये पहली पार्टी होगी देश की जो अभी तक घोषणा पत्र जारी, 3रा चरण का चुनाव समाप्त हो गया लेकिन अभी तक जेडीयू ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, क्योंकि इनको ये डर है कि फिर ये चुनाव के बाद कहीं और पलटी मार सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता दल यू से स्टाम्प पेपर पर लिखवा लेना चाहिए। तो आरजेडी क्या कह रही है आपने सुना। नीतीश कुमार ने जिस तरह का विकास बिहार में किया है उससे लगता नहीं है कि घोषणाओं की जरूरत है। लोगों को अपने नेता पर पूरा भरोसा है। ये चुनाव पूरी तरह से बिहार में आजादी के 70 वर्षों में जो अन्य सरकारें हैं और नीतीश कुमार जी के जो 13 वर्ष है, ये इतनी चमकदार उपलब्धियां हैं, चमचमाती सड़कें हैं, बिजली है, बिहार के गाँव बदल गए हैं, शराबबंदी ने जो आधी आबादी के चेहरे पर आत्मसम्मान और खुशियां बिखेरी है, उसके बाद यहाँ घोषणाओं की बहुत ज़्यादा जरूरत जनता महसूस नहीं करती है। लोगों को अपने नेता पर भरोसा है और इसीलिए लोग वोट कर रहे हैं। 3 चरणों में हमारे उम्मीदवार अभूतपूर्व मतों के अंतर से जीत रहे हैं और जीत का ये सिलसिला आने वाले 4 चरणों में भी जारी रहेगा। तो जेडीयू का कहना है कि घोषणाओं की जरूरत महसूस नहीं करती है जनता, उन्हें अपने नेता पर पूरा भरोसा है। विरोधी पार्टी घोषणा पत्र जारी नहीं होने को लेकर नीतीश को घेर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कोई मतभेद नहीं है, साथ मिलकर मोदी को फिर पीएम बनाएंगे। देश की जनता जानती है कि जेडीयू की राजनीतिक फिलॉसफी क्या है। वो एक समाजवादी रुझान वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी रुझान रखती है, सामाजिक न्याय की बात करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। तो स्वाभाविक रूप से हमने कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे संकल्प पत्र में रखे हैं। ये अलायंस की पॉलिटिक्स में जिस तरीके से हमने 5 साल एक सुशासन देने का काम किया, भ्रष्टाचार रहित विकास किया, सबका साथ सबका विकास किया, तो उस एजेंडे पे हमने NDA गठबंधन के सहयोगियों के साथ एक बार फिर चुनाव मैदान में हम नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए उतरे हैं। लेकिन सवाल यह है कि 4th चरण की वोटिंग होनी है कल, अब तक जेडीयू का घोषणा पत्र नहीं आया है, कब आएगा जेडीयू का घोषणा पत्र। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान साथ जुड़ गए हैं। राजीव रंजन हमारे साथ जेडीयू से जुड़ गए हैं और नवल किशोर आरजेडी से हमारे साथ हैं। हमारे साथ पटना ब्यूरो के संपादक प्रकाश कुमार भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले राजीव रंजन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 3 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, 4th चरण का मतदान कल है, इंतजार है जेडीयू के घोषणा पत्र का। देखिए, अभी पार्टी का जो स्टैंड है, आपने मेरे द्वारा कहे गए जो शब्द है उसको आपने अभी कहा है, और देखिए बिल्कुल एक बात साफ है, जो घोषणा पत्र की जो कमेटी है, कमेटी की बैठकें हो रही हैं, लेकिन अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में
लगातार चुनाव प्रचार के कार्यक्रमों में रहने की वजह से अभी तक आधिकारिक तौर पर घोषणा पत्र का ऐलान नहीं हो पाया है, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि बिहार में जो 13 वर्षों का जो कार्यकाल है नीतीश कुमार जी का, जो गुणात्मक बदलाव जनता के जीवन में आया है, जिस तरह से आधारभूत संरचना का विस्तार हुआ है, कानून व्यवस्था का जो बेहतर स्वरूप है वो बिहार में दिखता है, और जंगल राज से जो एक पूरे राज्य का जो कायाकल्प हुआ है, उसके बाद लोगों को यकीन है कि नीतीश कुमार जी जो कुछ भी करेंगे वो राज्य के लिए बेहतर करेंगे। इसलिए वो घोषणा पत्र का वो बगैर इंतजार किए हुए उन्होंने उनके चेहरे लेकिन राजीव रंजन जी बीजेपी के दबाव की भी बात कही जा रही है कि अलग अलग राय है, कई अहम मुद्दों पर आपकी बीजेपी के साथ एक मत नहीं है और यही वजह है कि आप नहीं ला रहे हैं घोषणा पत्र। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जिन सवालों पर असहमति की बात हमारे विपक्ष की ओर से कही जा रही है उस पर हम आज भी कायम हैं, और इंडिया की पहली पारी नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस जिसमें हम 370, 335 यूनिफॉर्म सिविल कोड और जो राम मंदिर का न्यायालय के फैसले के आधार पर निर्माण हो, जिन ये जो सवाल थे वो एनडीए के दूसरी पारी में भी नीतीश कुमार जी और हमारी पार्टी उन असहमति के बिंदुओं पर कायम है, और उन्होंने बाजाब्ता एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल को अपने इन तमाम असहमति के बिंदुओं पर काफी विस्तार के साथ चर्चा भी की। इसलिए इन सवालों पर जनता नीतीश कुमार जी के चेहरे को जानती है। जिस तरह से अल्पसंख्यकों के कल्याण के कार्यक्रम हुए हैं, समाज के सभी वर्गों में बगैर किसी भेदभाव के हमारी सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कार्य किए हैं। इसीलिए बिना वादों के आप लड़ेंगे चुनाव, बिना वादा किए जनता से कोई, बिना कोई दावा किए? देखिए, हम जो सभाओं में नीतीश कुमार जी जब बात करते हैं तो वो सरकार की उपलब्धियों की बात करते हैं, तो साथ साथ आने वाले समय में हमारा रोडमैप क्या होगा और बिहार के लिए उनके जो सपने हैं वो भी उसकी चर्चा करते हैं, और जनता यकीन करती है। और शायद यही वजह है कि अब तक जो 3 चरणों के चुनाव हुए हैं और अब जो कल चुनाव होने वाले हैं, हमारे उम्मीदवार काफी शानदार मतों के अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। जी, आरजेडी से हमारे साथ नवल किशोर भी हैं। नवल किशोर जी, आपने सुना होगा राजीव रंजन जी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने काम इतना बेहतरीन किया है, जनता हमारे कामों को जानती है और हम इसी यही वजह है कि अभी तक हमारा घोषणा पत्र भी नहीं आया। देखिए, दो परिस्थिति है। पहली परिस्थिति यह बताती है कि जो जिस सरकार की मुखिया है आज के डेट में, वो जनादेश के चोरी के आधार पे है और संघ युक्त होने के आधार पे है, तो आज के डेट में तो भाजपा उनको अलग मानती भी नहीं है और नहीं वो मानते हैं। दूसरी बात यह है कि जो पूरा जग जाहिर है कि जदयू और भाजपा में 370 के मुद्दे पे, ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे, 35A के मुद्दे पे और राम मंदिर के मुद्दे पे उनका एकदम धूर विरोधी है एक दूसरे के, लेकिन इस बात को पूरी तरह से जनता जानती है और ऐसे में घोषणा पत्र का नहीं आना जनता शक को पूरी तरह से साबित करती है। इसलिए मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस चेहरे की बात कर रहे हैं राजीव रंजन जी, उस चेहरे में 72 छेद हो चुके हैं, सृजन से शौचालय तक, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस तक, सुप्रीम कोर्ट की जो फटकारें आई हैं उसे जनता में पूरी तरह से जानकारी है उनके विषय में, और जिस भाजपा के साथ है जिसको कि 2015 में जबरदस्त शिकस्त हुई और जो इनके साथ निश्चय के धूर विरोधी है, अब तो ये बताएंगे किस निर्लज्जता के साथ उस सरकार के साथ काम कर रहे हैं। और अगर ये घोषणा पत्र बनाएंगे तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी में निर्लज्जता शब्द का इस्तेमाल है, दुखद का इस्तेमाल है, अमानवीय और दुर्भाग्यपूर्ण शब्द का इस्तेमाल है, बलात्कारियों के संरक्षण होने का इस्तेमाल है, उसका क्या ये जवाब देंगे? जिन जिन बातों के तरफ ये चर्चा कर रहे हैं उन बातों में तो ये बहुत पीछे छू चुके हैं। जिस विकास की भाजपा बात करती है, सबका साथ सबका विकास, वो अगर उसमें उसको विश्वास होता है तो विश्वास का सहारा क्यों लेते, पुलवामा का सहारा क्यों लेते, बालाकोट की बात क्यों करते? ये तमाम की बातों के परिदृश्य में यह क्लियर है कि नीतीश कुमार का आज के डेट में कोई अस्तित्व नहीं है, एक परजीवी राजनेता के रूप में भाजपा के साथ जुड़े हुए। प्रकाश कुमार भी हमारे साथ, हमारे पटना ब्यूरो के संपादक जुड़ गए, उनके पास में जाऊंगी, लेकिन जल्दी से राजीव रंजन जी, घोषणा पत्र आएगा या नहीं? देखिए, उससे पहले ये बुरी तरह हार के होंगे, जब तक इनकी घोषणा पत्र में जिन सवालों को लेकर के सवाल खड़े करते हैं उस पर नीतीश कुमार जी का अभिमत बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने अभी चुनाव के दौरान भी एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल को उन असहमति के बिंदुओं पर काफी विस्तार के साथ बताया है, और इसीलिए इस तरह की सियासत करने की कोई जरूरत राजद जैसी पार्टियों को नहीं है। जंगल राज जिनका अतीत है,
ठीक है राजीव रंजन जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ प्रकाश कुमार जुड़े हुए हैं पटना से लाइव। प्रकाश, क्यों नहीं आ रहा है, आप ही बताइए, इनसाइड स्टोरी क्या है, क्यों नहीं आ रहा है जेडीयू का घोषणा पत्र? देखिए अमांत्रा, दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक कर पीता है, ये पुरानी कहावत है। वही हाल जेडीयू का है, नीतीश कुमार की पार्टी का है, क्योंकि 2015 में जब ये आरजेडी के साथ गए थे तो कुछ ऐसे मुद्दे आए थे जिसके बाद ज़्यादा सीटें आरजेडी को मिली थी और वोट ट्रांसफ़र नहीं हो पाया था नीतीश कुमार की पार्टी को। ऐसे में जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया है तो उस वक्त में आपने देखा होगा कि विपक्ष में भी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, सबने अपना अपना घोषणा पत्र जारी किया। कोई एक दूसरे के घोषणा पत्र पर जवाब नहीं दे पा रहा, जैसे कांग्रेस पार्टी का देशद्रोह कानून को हट पर सोचने के विचार करने पर, दूसरी तरफ आरक्षण के मुद्दे पर, शराबबंदी के मुद्दे पर, तो हर कोई पार्टी का अलग अलग है। लेकिन नीतीश कुमार ने इस बार तय किया कि ऐसी कोई बात न रखें घोषणा पत्र में जिससे कि वोटर्स को कहीं दुविधा हो और ये अंदर तक जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हो। जो विवादित मुद्दे हैं उनको अलग रखने की बात है, तो वोटर्स को एक साथ रखने के लिए, एकजुट दिखाने के लिए नीतीश कुमार मेहनत भी कर रहे हैं। तीनों पार्टी के बड़े नेता, रामविलास पासवान हो, चाहे सुशील मोदी हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, एक साथ एक मंच पर हर जगह दिखते हैं। ये जताने की कोशिश है कि घोषणा पत्र की बात कहीं से नहीं होगी, बल्कि वो एक साथ हैं और वोटर्स को अपनी ओर खींचने के लिए। तो ये अब तय हो चुका है कि घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि आने वाले जो चार चरण होंगे, पांच चरण, उसमें सीधे तौर पर बीजेपी जेडीयू का ज़्यादा बड़ा स्टेक है। 26 में से 24 सीटें हैं जिन पर बीजेपी का कब्जा रहा है, तो इसमें कहीं कोई डेंट ना हो इसलिए घोषणा पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। जी राजीव रंजन जी, आपने सुना प्रकाश ने क्या बताया, आपको डर सता रहा है कि बीजेपी का जो वोट आपको मिलने जा रहा था कहीं ऐसा ना हो कि वो ना हो पाए अगर आपका घोषणा पत्र सामने आता है और अलग राय लगती है बीजेपी से। देखिए प्रकाश कुमार जी कहीं ना कहीं एक काफी सीनियर जर्नलिस्ट है और उनका अपना आकलन हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने इस चुनाव के शुरू होने के बाद जिन असहमति के बिंदुओं पर बार बार विपक्ष के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उस पर हम कायम हैं या नहीं है, उस पर उन्होंने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ रखा है। और अभी भी कई ऐसे बयान आए जिस पर पार्टी के लोग जानते की असहमति है, इसलिए कुल मिलाकर के राष्ट्रीय जनता दल और उनके सहयोगी दलों की हताशा तो हम समझ सकते। सवाल का जवाब दे कि क्या गिरिराज सिंह जिस तरह से कब्र की बात करते हैं, वंदे मातरम की बात करते हैं, तो उन मुद्दों पर क्यों चुप है आपके पार्टी के नेता? प्रकाश जी मैं सुन नहीं पाया। मैं ये सवाल कर रहा हूं कि गिरिराज सिंह खुलेआम कब्र की बात करते हैं कि कब्र उन्हें मिलेगा जो वंदे मातरम की बात करेंगे, और तमाम ऐसे सवाल उठाते हैं, हिंदूवादी सवाल उठाते हैं, उस पर नीतीश कुमार क्यों चुप रहते हैं, आपकी पार्टी क्यों चुप रहती है, उस पर क्यों नहीं सवाल उठाते हैं? घोषणा पत्र के माध्यम से एक नया विवाद न खड़ा हो, क्या इसे? देखिए हमारी पार्टी ने तो खुलकर के उनके बयान पर असहमति दर्ज की और केसी त्यागी जी ने भी कहा और मैंने भी ऑन रिकॉर्ड कई चैनल्स को रिएक्शन में ये कहा है कि उन्हें ऐसे बयानों से बचना चाहिए। लेकिन कन्हैया कुमार के समर्थकों को भी विमर्श बहुत निचले स्तर पर ले जाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, मीडिया को उनके साथ ही उदारता का व्यवहार नहीं करना चाहिए और उनके तो घोषणा पत्र जारी करने में डर क्यों? सहयोगियों की ओर से जो भी बातें कही जा रही है उसका भी संज्ञान मीडिया को जरूर लेना चाहिए। राजीव जी, घोषणा पत्र जारी करने में डर क्यों, और ये साफ साफ बताइए कि घोषणा पत्र जारी होगा या नहीं होगा? देखिए घोषणा पत्र के लिए आधिकारिक तौर पर कमेटी है, केसी त्यागी और पवन वर्मा जी उस कमेटी के सदस्य हैं और वो उसमें घोषणा पत्र जो हमें जानकारी है वो ड्राफ्ट हो चुका है, तैयारी भी हो चुकी है, सब कुछ तैयार है, सिर्फ उसे जारी करना है, जारी करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं ऐसी हमारी हमारे जानकारी में नहीं है, जिसके लिए जो कमिटी है वो कमिटी अधिकृत है आधिकारिक तौर पर तारीख का ऐलान करने के लिए। इतनी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि घोषणा पत्र में जिन घोषणाओं का इंतजार जनता को है वो नीतीश कुमार जी ने अलग अलग संबोधनों में अपनी राय और अपना स्टैंड बिल्कुल साफ साफ रखा है। मतलब साफ है कि आप जारी नहीं करेंगे? नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा कि इसके लिए अधिकृत कमिटी ही फैसला करेगी कि किस तारीख पर इसका ऐलान हो।
चलिए राजीव रंजन ये कह रहे हैं कि तारीख अब पार्टी को तय करनी है कि कब घोषणा पत्र जारी होगा। उन्हें ये जानकारी नहीं है कि घोषणा पत्र जारी होगा या नहीं। जैसा हमने आपको बताया, तीन चरणों की वोटिंग हो चुकी है, चौथा चरण की वोटिंग कल है और अब तक जेडीयू का घोषणा पत्र नहीं आया है। और सूत्रों के हवाले से खबर हमें मिल रही है कि नीतीश कुमार घोषणा पत्र जारी नहीं करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी राजीव रंजन आपका भी, नवल किशोर आपका भी और प्रकाश कुमार आपका भी। तो घोषणा पत्र को लेकर जेडीयू का यह कहना है कि उन्हें पता नहीं है कि घोषणा पत्र आएगा या नहीं।